सबसे पहले मान लो कि इसको आपको किसमें लिखना है, एक्सप्लेनेड फॉर्म में, और आपके मान लो कि ऑप्शन इस तरह लिखा है, जैसे सभी के सभी वर्ड्स में ऑप्शन आए ना। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि इसको किस तरह कन्वर्ट करना है। ऑप्शन में अगर आपके पास में वर्ड्स लिखे हैं, एक तो वर्ड्स में एक्सपेंडेड फॉर्म होती है विस्तृत फॉर्म, और एक इसमें होती है सर ये जीरो के साथ में होती है। तो ऑप्शन मान लो कि आपके पास में वर्ड्स में लिखा आ जाए, तो हमें तो दोनों तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मान लो कि कोई राजा होता है वो युद्ध लड़ने जाता है तो पहले क्या करता है, हर तरह से ट्रेनिंग करके जाता है। ये थोड़ी होता है कि नहीं वो ऐसे ही वार करेगा, वो तो कैसे ही वार कर सकता है। तो हमें हमारी ट्रेनिंग हर तरीके से करनी होगी। अब देखो यहां पर अगर इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में करना है तो सबसे पहले इसको इधर लिखते हैं 4235.142। एक मिनट रुके, मैं एड ज्वाइन करवा देता हूँ, न्यू स्टूडेंट कौन आया। ओके चलिए सृष्टि, ठीक है आप एकदम सही टाइम पे आए हो, अभी मैं समझा ही रहा था, आप देख लीजिए। देखो अगर आपके पास में इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ है और उसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, वो भी वर्ड्स के अंदर, तो पहले क्या करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि जो डेसिमल होता है, सबसे पहले डेसिमल के कुछ आपके लेफ्ट लेफ्ट साइड में नंबर्स होती हैं और कुछ डिजिट्स हमारे राइट साइड में होती है। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। 4235.142, 4235.142, बहुत ध्यान से समझ लेना एक एक बात को। ये होता है ना, देखो अब इसका क्या हो, इसका हमें एक एक का प्लेस पता होना चाहिए कि ये वाला प्लेस कौन सा है, ये प्लेस कौन सा है, ये प्लेस कौन सा है, ये प्लेस कौन सा है, यानी कि ये स्थान कौन सा है, ये स्थान कौन सा है, और ये स्थान कौन सा है, इसको मतलब बोलते क्या वर्ड्स के अंदर। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल ये नंबर लिख दूं, जैसे 4235 अगर मैंने आपको लिख दिया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये हमारे पास में हो गया वंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सर इकाई, है ना। ध्यान से समझ रहे हैं एक एक बात को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इतना अच्छे से समझाएंगे कि आपको कोशिश है कि अभी के अभी याद करवा दें, फिर कभी इसको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, कि फिर घर जाके वापस रिविजन करने की जरूरत पड़े। देखो अब इसके बाद में इसको क्या कहोगे सर, आप इसको कहेंगे सर टेंस, जिसे कहते हैं ढाई, और इसे क्या कहते हैं सर हंड्रेड्स, ठीक है, जिसे सैकड़ा कहते हैं, ठीक है, और इसे कहते हैं सर हमारे थाउजेंड, जिसे कहते हैं हजार। चलो इसको मैं सैकड़ा को सही लिख देता हूँ, यही सब बोलते हो, इसके आगे फिर 10,000 लेख ये रहेंगे। तो एक तो हमें ये तो पता है कि सर अगर मान लो डेसिमल का नंबर नहीं हो तब तो हम बहुत इजीली कर देंगे, अगर हमारे पास में कोई भी नंबर अगर डेसिमल में नहीं होगा तब तो हम इजीली उसको सोल्व कर देंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। ओके सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर योर वॉइस इज नॉट अवेलेबल। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। नहीं आ रही है। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। कोई सर को कॉल लगाओ। को कॉल लगाओ। सर आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, सर यार वॉइस इज कमिंग। रुक जाओ फिर, रुक जाओ सर, आ रही है आवाज, रुक जाओ मैं एक मिनट। नहीं दिखाई दे रही है। हाँ दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसकी स्क्रीन भी वापस शो कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए, ये कोई केबल में इश्यू हो गया था इसलिए। ओके सर
चलो है ना, अब सभी स्टूडेंट अपना माइक म्यूट कर लो, देरी अपना माइक म्यूट करो। एक बार देखो कुछ स्टूडेंट लीव कर गए, एक तो ना लीव मत लिया करो, जब तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करूँ ना तब तक कोई इधर उधर मत भागा करो। अगर फिर कोई मेरे को ऐसे लगेगा कि नहीं ये तो ज्यादा इश्यू हो रहा है अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपने आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, या फिर आपको मैं गूगल मीट वापस ज्वाइन करके मैं आपको बता दूंगा। चलिए अभी तो किसी को इश्यू नहीं होगा, जिसको इश्यू हो तो अभी बता सकता है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हो या फिर आवाज सही नहीं आ रही हो। चलो मैं सही कर देता हूँ अभी, ठीक है? यस सर। चलो फिर अभी किसी को इश्यू नहीं है ना, इश्यू तो अभी बोल देना, फिर मैं आगे स्टार्ट कर दूंगा मैं। चलो फिर तो हमने क्या देखा, अर्णव अपना कैमरा ऑफ करो, चलिए। अब हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे जो अगर हम इसके पास में देखें तो देखो इसका जो लेफ्ट साइड है ना उसको तो वैसा ही लिखेंगे, कैसे सर, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, इसको तो ऐसा कैसा ही लिखेंगे, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। लेकिन अगर इसके आप लेफ्ट साइड में देखोगे, राइट साइड में सॉरी, तो आप क्या देखोगे सर, यहाँ पर जो रहेगा ना अब इधर कभी भी वंथ नहीं आएगा, पहली बार सुन लो, कभी भी वंथ नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे स्टार्ट होगा सर टेंथ से, टेंथ से जिसे हिंदी में लिखते हैं दसवां, तो पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद में ये जो रहेगा ये हमारे पास में रहेगा हंड्रेड, जिसे बोलते हैं सोवा हिंदी में, और ये हमारे पास में जो रहेगा वो रहेगा सर थाउजेंड, जिसे बोलते हैं हम हजारवां, और इसके बाद में टेन थाउजेंड, लेख यानी कि दस हजारवां, लाखवां, इस तरह आपके पास में चलते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को लिखोगे तब कैसे लिखोगे। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कहेंगे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे सर, फोर थाउजेंड, ये तो लिखते हैं ना, फोर थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड प्लस थ्री टेंस प्लस फाइव वंस प्लस, अब देखो पॉइंट नहीं लगाओगे यहाँ पे, पॉइंट नहीं लगाओगे, वन टेंथ लिख दोगे इसको, इसको क्या लिख देंगे, वन टेंथ लिख देंगे इसको, इसके बाद में प्लस इसको फोर हंड्रेड लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा टू थाउजेंड हो जाएगा, हिंदी में लिखे तो ये चार हजार प्लस दो सैकड़ा प्लस तीन दहाई प्लस पांच इकाई प्लस एक दसवां प्लस चार सौ प्लस दो हजारवां, इस तरह ये हमारे पास में रहेगा। तो एक बार के लिए सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने आप को समझा लीजिए ना, खुद को आप खुद समझाइए एक बार बोल बोल के ना, खुद को माइक ऑन मत कीजिए, माइक म्यूट ही रखिए और अपने आप को ऐसे बोल के समझाइए कि हाँ यहाँ ये लिखा हुआ है, इसलिए इसके राइट साइड में इस तरह इसको काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड में इस तरह काउंट करेंगे, उसको फिर इस तरह लिखेंगे। अभी कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसको नहीं समझ में आया हो? सर मुझे ये वन तो लाने का रीजन पता चल गया, वन तो क्यों नहीं आता सर, वन तक की जगह तो पॉइंट डाने ले ली। हाँ वो आप वैसे समझ लो, कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया हो? सर आपने इसके पहले कुछ बताया नहीं, यहीं से स्टार्ट हुई है क्लास, ये वाला समझ में आ गया सर? सर क्वेश्चन की पीडीएफ निकाल दीजिए। निकालूंगा, एक मिनट रुको, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करो, बाकी स्टूडेंट को एक बार समझने दो, मैं अभी निकाल दूंगा ना आपके लिए पीडीएफ। सर मैंने कल
देखो भूमि ने एक डाउट पूछा है। भूमि ने क्या कहा कि सर यहाँ पर जो पॉइंट के बाद में आपके पास में 3 डिजिट्स हैं, तब तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अगर आपके पास में डेसिमल के बाद में इधर मान लो कि 5 डिजिट्स होते ही तो हम क्या लिखते सर? देखो 5 डिजिट होते तो पता है कि सबसे पहला ही पहला कौन सा होता है, हमेशा ये होता है सर 10th, जिसे लिखते हैं 10वां, पहला पॉइंट तो ये। इसके बाद का होता है सर 100, जिसे बोलते हैं 100वां। उसके बाद में जो लिखा आता है वो होता है 1000, जिसे बोलते हैं 1000वां। उसके बाद में जो होता है वो होता है 10,000, जिसे बोलते हैं 10,000वां। और उसके बाद में होता है लैक्थ, जिसे बोलते हैं लाखवां। मतलब ये डिटो वही रहेगा, बस उसके बाद में वा लग जाएगा एक वंत को छोड़ के, बाकी सारे डिटो सेम रहेंगी। भूमि हो गया डाउट क्लियर? एक मिनट रुको, पहले हैंडरेजर को। भूमि डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, ओके भूमि सर मेरा डाउट है। बताओ क्या डाउट आप बताओ करी थी क्या ना? डाउट आप करी थी ना? सर यार 9 या 10 डिजिट रहे तो नहीं, 9 या 10 डिजिट नाइन या टेन आएगा, डिजिट नहीं अगर आएगा आएगा तो निकाल लो। उसके बाद में सेम वही रहेगा 10 लेख, उसके बाद में करोड़ है ना, करोड़ इस तरह रहेगा वो सेम। जो हमारे इधर जो फॉर्मेट रहता है ना, जो राइट साइड में, वो सेम फॉर्मेट उधर रहेगा। जो इधर लेफ्ट साइड में जो फॉर्मेट रहता है वही सेम उधर रहता है, बस लास्ट में TH लग जाता है, हिंदी में वा लग जाता है, लेकिन इतना 9 तक का आपका आएगा नहीं, है ना। आप इतना याद रख लो, इतने से आपका काम हो जाएगा। आए वैसे आता नहीं है, अगर मान लो कभी कभी आ जाए कोई बहुत ही रेयर चांस में, तो क्या करना है कि 10 लेख बस उसमें वा लगता रहेगा। लेकिन क्या कि इतना बड़ा फिर नंबर लिखा नहीं जाता, एग्जाम में भी पेपर में भी थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि फिर ये भी तो लिखना होगा उसको, तो ये कितने कितने बड़े ऑप्शन में लिखेगा, इसलिए लास्ट 4 डिजिट तक मैक्सिमम आता है कभी कभी। और हो सकता है कि आपको 3 डिजिट से ऊपर लेके भी नहीं जाए, लेकिन यहाँ तक आप याद रखो। अगर आपको यहाँ तक पता है ना तो इजीली आप कर लोगे, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर वंत कभी मत कर देना। ये क्या करेंगे वो, इसमें थोड़ी सी ट्रिक क्या लगाएंगे कि यहाँ पर वन वंत लिख देंगे, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि सर इधर वंस है तो इधर वंत भी होगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे अगर लिखेंगे तो, ताकि बच्चा पहले इसको गलती करे, बस ये एक छोटी सी इस बात को ध्यान रखना, बाकी सारा सेम। और फिर बीच में भी ये मत सोचना, बीच में एक और क्या ट्रिक लगा देंगे, 10th लिखेंगे फिर 100 को, सर एक मिनट रुको पहले मेरी सुन लो, फिर 10th लिखेंगे और फिर 100 को हटा देंगे, सीधा वहां पे 1000 लिख देंगे, है ना। इसका भी ध्यान रखना, यानी कि 10वें के बाद में 100वां हटा के 1000वां लिख देंगे, और इधर भी मान लो कि 2.5 फिर सैकड़ा हटा के सीधा 1000 लिख देंगे। तो इस तरह वो क्या करेंगे, आपके माइंड को चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या सच में आप पूरा क्वेश्चन से ढंग से देख रहे हो, या फिर केवल इतना इतना देख के आप स्टिक कर रहे हो। तो ये नहीं देखना, पूरा देखना है कि सर जो आपका ऑर्डर है वो तो एकदम सही चल रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में किसी को गायब कर दिया, ऐसा भी होता है वहां पर। और जीरो के जीरो के टाइम भी ऐसा होता है, जीरो के टाइम भी ऐसा होता है, पहले मान लो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे लिख देता है, अब पता चला कि सर इसके बाद में तो ऐसा होता ही नहीं है, फिर तो 3 डिजिट। तो इस तरह आपको ट्रिक पता करनी है। रुको सर क्वेश्चन 5 बना के चलिए, मैं क्वेश्चन में खुद से लिखूंगा और वही बनाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको, फिर ये वाले आपको बनाने, ठीक है। एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, 2 0 2 3 0.5 0 4 0 3, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले आपको पता है कि सर यहाँ डेसिमल है, पॉइंट है, इधर वाले आप सभी को पता है कि वंस टेंस में होते हैं, इधर वाले आपके वन सॉरी 10th 100th, इसमें होते हैं 10वां 100वां 1000वां। सबसे पहले इसको लिखते हैं सर, इसको लिखेंगे तो हमें पता है इसके बाद में सिर्फ यहां तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। कितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये वैसे भी 10,000 पे है। प्लस सर आप जीरो को, जीरो को तो कितना ही लिखो, चाहे जीरो जीरो 4 टाइम्स लिखो या जीरो लिखो, दोनों बात तो एक ही है। प्लस 2 के बाद में सर 20, प्लस 3 30 आ जाएगा, प्लस 0। अब देखो, अब यहां तक आपके पास में ये कंप्लीट हो गया। अब डेसिमल के राइट साइड में चलते हैं, तो देखो सबसे पहले अगर आपको डेसिमल के राइट साइड में, ये आपको कल भी मैंने सिखाया था कि अगर मान लो कोई 0.5 हो तो उसको क्या लिखोगे सर, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। प्लस ये कहाँ पे है सर, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स पर है, तो ये सर 0/100 आ जाएगा। प्लस ये पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, तो 1 2 3, तो 4, और 4 के नीचे कितने आ जाएगा सर, 3 डिजिट आ जाएगा। प्लस ये कहाँ पे सर,
फोर डिजिट पे, तो 1 2 3 4 प्लस ये 3, 1 2 3 4 5। अब एक बार मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो चाहे जीरो में 100 का डिवाइड करो चाहे 1000 का करो तो क्या रहना है, जीरो रहना है। तो हो सकता है कि इसकी जगह आपको ऑप्शन में जीरो भी लिखा सकता है, क्योंकि जीरो में अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो तो क्या रहता है, जीरो ही रहता है। तो ये इस तरह आपको सोल्व करना। सर आपकी वॉइस आते आते अटक गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर, मैं जस्ट नॉट सर सर आवाज नहीं आ रही। का फोर्थ सर नॉट कमिंग। गो सर को फोन लगाओ। आ रही मेरी? Yes sir, यार मुझे कमी है। सर अब आ रही है। सर अब आ रही है। आज मतलब ये नेटवर्क क्लास लेने नहीं देगा कैसे? बार बार भागे जा रहा है। इतना अच्छा टॉपिक समझा रहा हूँ फिर भी भाग के चला जाता है। आवाज आ रही मेरी? स्क्रीन में भी आपको दिखा देता हूँ, वो नेटवर्क चला जाता है निकल के अपने आप से। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन आपकी दिखाई दे रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज और स्क्रीन का अगर किसी को इश्यू है तो बता सकता है। नो सर। नो सर। मैंने नो नहीं कहा, अगर किसी को इश्यू है तभी बताइए, शायद होगा नहीं। हाँ मलिका, आपके तो वो नेटवर्क स्लो है। सर आपने जो, हाँ ये मैं वापिस समझा रहा हूँ ये वाला। सर आपने जो डेसिमल के ये पीडीएफ भेजी थी उसमें उसको व्हाट्सएप पर भी भेजना है? नहीं, उसको सॉल्व करके नहीं भेजना। ओके सर। सर मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने प्रैक्टिक क्वेश्चन भेजे थे तो। अब रुकिए, मैं केवल क्लास में वही बातें क्या करो जो आपके लिए अभी पढ़ाते समय जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, बाकी बातें व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, मैं वही जवाब दे दूंगा इन बातों का तो। ओके सर। देखो मैं इसको इस क्वेश्चन को वापस बता देता हूँ ना, वो नेटवर्क इश्यू होने की वजह से। मलिका आपको नेटवर्क इश्यू चल रहा है, आपको हो सके तो आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं फिर आप लीव कर सकते हो। अभी देखिए, दोबारा देखिए ना इस क्वेश्चन को। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। लीव करके वापस ज्वाइन करो एक बार। यहाँ हुआ क्या, देखो आपको ये सभी पता है कि सर इधर वाले जो डिजिट्स होते हैं वो किसमें होते हैं, सर 1000 में होते हैं। तो अगर इस 2 का स्टार्ट करोगे तो ये कहाँ पे 10000 पे, तो 1 2 3 4 केवल यहाँ तक ही लेंगे, 0 के आगे नहीं लेंगे, है ना? क्योंकि अगर 0 के आगे लोगो तो भी वो क्या रहना, ये तो 0 हट जाएंगे, इसलिए क्या नहीं लिखते हम वापस 0 नहीं लिखते इसके आगे, क्योंकि ये वाले 0 तो वैसे भी हटते हैं, तो यहाँ तक के हम 0 लिख लेते हैं क्योंकि इसके बाद में इतने डिजिट से वैसे तो। और अब क्या हो जाएगा सर, प्लस अब 0, ये 0 आप 40 लिख लो इसको, बोलो चाहे इसको 4 लिखो चाहे 1 टाइम लिखो, प्लस बोलो बोलो 200। सर आपने पहले लिखा है तो मैं
अभी दिख रहा है क्या? यस सर, वापस लिखवा रहे हैं। हाँ वापस लिखवा रहा हूँ, इसको मैं समझा रहा हूँ वापस। ये यहाँ पर हो जाएगा सर, ये 30 हो जाएगा प्लस, इसके बाद में जीरो पे जाएंगे तो ये तो वंस पे इकाई पे, तो ये तो जीरो रहना है प्लस। अब ये वाला ध्यान रखना, इसका विशेष ध्यान रखना सर, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स? वन डिजिट, तो रहेगा सर 5/10 प्लस पॉइंट के बाद में कितना डिजिट्स? टू डिजिट्स, तो ये रहेगा सर 00। थ्री डिजिट्स तो 30 यानी कि 1000 आ जाएगा प्लस फोर डिजिट्स तो 0/4×0 प्लस थ्री। सर आपकी कट कट क्या आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5 किसी चल रहा है सर, आपकी आवाज कट कट क्या आ रही है? मलिका आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी वापस, ठीक है मलिका? हाँ सर। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे, फिर ये जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर अगर कभी भी जीरो आ जाए तो जीरो के नीचे कोई भी नंबर लिख दो, डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब चाहे जीरो के नीचे 100 का डिवाइड करोगे तो भी कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये जीरो हो सकती है। इसका अगर चेक करें तो ये भी कितना हो सकता है सर? ये भी जीरो हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जीरो में अगर किसी भी नंबर का डिवाइड कर ले तो हमेशा जीरो रहेगा। तो इसकी जगह हो सकता है कि वो आपको जीरो लिख के भेज देते, है ना? तो इसकी जगह ये भी हो सकता है या इसकी जगह जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह इसको आपको सोल्व करना होगा क्वेश्चंस को। तो अभी बताओ कि कोई स्टूडेंट को डाउट हो तो हैंड रेज करो। यहाँ देखिए, जब हम इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या लिखेंगे सर? यस मलिक आपको? नो सर। इसमें देखो ना, ये जब आप मान लो कि ये आपके पास में नंबर है 802530012, ठीक है? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? 80000 प्लस जीरो को तो आपको पता है जीरो ही होता है, तो जीरो लिख दीजिए। टू, टू के बाद में कहाँ तक? 00, पहले पॉइंट तक नहीं लेना, पहले केवल यहाँ तक लेना है। प्लस 50 प्लस 3 प्लस, अब आपको पता है ये जीरो कितना? 0/10, उसके बाद में 0/100 रहेगा क्योंकि टू डिजिट्स है। थ्री डिजिट्स पे कितना रहेगा? 1/1000 प्लस टू, फोर डिजिट्स पर, तो ये रहेगा सर 4000। ओके, इस तरह ये रहेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर? जीरो लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको किसी भी नंबर को आपको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखवाया तो इस तरह लिखना। यस ये जो भूमि बोलो, 8000 है प्लस जीरो है, इसको हम 4/0 नहीं लिख सकते? 4×0 हाँ लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं है ना। हो सकता है कि वो 4 नहीं जीरो देके ऑप्शन में ये जीरो भी दे सकता है, दोनों एक ही बात है। ओके सर, सर मुझे एक बात और पूछनी है, ये जो 6 वाला है इसके अंदर क्या भूमि? एक मिनट रुको, भूमि को पूछना है तो भूमि बोलो। 8207.632 है तो इसमें हाँ? दो बार दो है, तो जो ये नीचे नंबर दे रखी इसमें लास्ट में 2 है, तो हम कौन सा माने इसमें? 2 नहीं, नीचे 6 वाले में, इसमें हाँ। अच्छा इसमें 2 आ गया क्या? इसमें लिखा नहीं होगा, आप इसमें एक काम करो, दोनों दोनों 2 की प्लेस वाले लिख दो, ठीक है? ओके सर। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसको इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का आपको तरीका बता देता हूं कि देखो पहले जो भी पॉइंट बार के लिए पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, तो जब पॉइंट को भूल जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें? हमें क्या दिखेगा सर? 42×02। अब 02 को आप 2 भी लिख सकते हो, तो ये हो गया सर 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2×2=4, 4×2=8, कितना हो गया सर? 84। अब इधर यहाँ काउंट करो कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है, इसके पास में सर 1 डिजिट, तो इधर से फिर काउंट करो, इधर से 1 और ये 1। देखो जो मेथड बता रहा हूँ ना उनका ऐसा का ऐसा याद रखो, क्योंकि वही फिर आपके माइंड में इमेज बनेगी और यही फिर इमेज आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। इसको करते हैं
सर 302 मल्टीप्लाई सर 0001 इसको कर देते हैं, 1 कर लेते हैं, तो 302 मल्टीप्लाई 1 तो 203, तो इसका आंसर कितना आ गया सर 302 आ गया। अब चलो पॉइंट के बाद में डिजिट्स काउंट करो, 1 2, सर 2 तो रही इसके पास में, 1 2 3 3 इसके पास में, तो टोटल कितने हो गए सर 5 डिजिट्स, ध्यान रखना टोटल करना है 5 डिजिट्स, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है सर 5, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ये रहेगा 0 और दोनों जगह क्या लिख दोगे 0, इस तरह सोल्व करेंगे। अब इसको क्या करें सर, इसको करना है क्या, इसको तो सीधा सीधा 13601 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करो 2 0 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 और ये 2, ये सर 27202। अब इसके बाद में काउंट करो सर 1 2 पॉइंट के बाद में, तो 2 डिजिट्स इधर कोई नहीं है, तो इधर से 2 डिजिट्स काउंट करके यहाँ लिख दोगे। आप सभी को एक सिस्टम और बता देता हूँ, अगर मान लो कि अभी ये क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ ठीक है, और आपको इसमें डाउट है तो अपनी नोटबुक में लिखोगे कि हाँ सर ये जल्दी ऐसे जल्दी से क्वेश्चन लिख लोगे कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, ध्यान रखना। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब नया सिस्टम से आगे बढ़ेंगे, आपको क्या करना है, अब लगे कि सर इसमें 3 4 और 5 में यहाँ पर मैं सर ने ये वाले पढ़ाई और ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो फटाफट से नोटबुक में थोड़ा सा इंडिकेट कर लोगे ना जल्दी से, यहाँ ये वाला डाउट है मेरे को पूछना है क्लास के बाद में, है ना। और ध्यान रखना डाउट नहीं सोल्व तब तक जाना नहीं है क्लास छोड़ के, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर आप क्यों जा रहे हो, मैं आप सभी के डाउट सोल्व करता हूँ, क्लास होने के बाद भी 15 मिनट तक यही रहता हूँ, तो आपको भी डाउट अपने डाउट सोल्व करने हो ताकि ठीक है, फिर क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा और लास्ट में सभी के डाउट सोल्व कर देंगे ना एक एक के, इसलिए अपने नोटबुक में लिखते रहें। तो ये हमारे मल्टीप्लाई थे। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद में आपको मैं सिखा देता हूँ थोड़े से डिवाइड सिखा देता हूँ, डिवाइड सिखा देता हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। डिविजन ऑफ डेसिमल्स यानी कि दशमलव के भाग, देखिए अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने लिखा सर 43.02 डिवाइड 2. चलिए अभी ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1.2 कर देते हैं ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर इसको 43.02 अपॉन 1.2 लिखेंगे, पहले तो इसको ये लिखेंगे। अब आपको मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था कि सबसे पहले इसके पॉइंट हटा दो, सर पॉइंट हटाएंगे तो इसका इफेक्ट तो कहाँ रहेगा नीचे की तरफ, इसका इफेक्ट रहेगा ऊपर की तरफ, तो इसको लिखेंगे सर 4302, यहाँ रहेगा ये 12। अब जब इसके बाद में कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, तो नीचे कितने जीरो आएंगे सर 20, सर इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे सर 10 आएगा ठीक है। अब एक काम करो आप इसके एक बार के लिए इसको है ना इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, नहीं चलो इनके आप जीरो हटा ही दो पहले, ये लो ये जीरो हटा दिया, अब ये कितना बन गया सर 4302, नीचे कितना रह गया सर 12 मल्टीप्लाई 10 रह गया है ना, या तो 120 कर लो या 12 मल्टीप्लाई 10 कर लो, एक बार के लिए इसको इसको 12 मल्टीप्लाई 10 रखो, क्योंकि हमें 12 का जो डिवाइड है वो इजीली अपन क्या क्या कर सकते हैं इसमें डिवाइड कर सकते हो, तो पहले इसमें डिवाइड कर ले 12 का, एक एक बात को ध्यान से समझना, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 का, मैंने 120 क्यों नहीं लिया क्योंकि पहले मुझे 12 का डिवाइड करना था इसलिए नहीं लिया ठीक है। डिवाइड करो सर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 36 में माइनस करेंगे तो 6 से 4 तो इधर और 3 तो वो कितने हो गए सर 7, ये रह गए है ना, 43 में से 36 माइनस करोगे 7 रहेंगे, कैसे पता किया सर, यहाँ 36 4 प्लस किया तो 40 और 43 के लिए 3 तो 4 और 3 कितने हो गए सर 7 हो जाते हैं हमारे पास में। अब यहां से क्या करेंगे, ये 0 लेके आए कितना बन गया 70, चलो इसमें 12 का डिवाइड करो, सर आपकी आवाज 60 12 5 जे कितना हो गया सर 60, यहां पर हो गया 10। अब बताइए 2 लेके आ जाए सर, 2 लेके आ गए, इसके बाद में सर 96 माइनस कर देंगे तो यहां पर देखो 12 आ जाएगा ना,
क्योंकि देखो 96 से 4 आ जाएगा, 96 से 4 तो यहाँ पे तो 100, और 2 आगे वाला तो ये हो गया सर 6, तो 100, 2 और कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 6 हो जाएगा। क्या इसके बाद में भी इसको आगे बढ़ाएं? सर क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्या ऊपर कोई नंबर है? नहीं है, तो क्या किसके पास जाएं? सर पॉइंट के पास, पॉइंट के पास गया तो ये हमें 0 ला के देगा। अब ये लो सर 12 5 हमारे पास में कितना हो गया 60, ये हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया सर 358.5। ये और सीख लो कि जब इसका जो आप जो इसका भागफल होगा या क्वेशेंट होगा उसको लिखेंगे कहाँ पे, आपने इन दोनों को डिवाइड किया है, पता है ना, इन दोनों को डिवाइड किया तो क्वेशेंट हमेशा ये ध्यान रखना क्वेशेंट हमेशा न्यूमेरेटर में ही लिखा जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास में पहले से सर 10 हमारे पास में डिनोमिनेटर में रहा हुआ है। जब अब आपको कहोगे सर इसको नीचे क्यों नहीं लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड का जो आंसर रहता है वो हमेशा कहाँ रहता है सर ऊपर की तरफ रहेगा न्यूमेरेटर्स में, कहीं भी नीचे नहीं आएगा वो, ठीक है। डिवाइड का जो आंसर रहेगा, दोबारा बता रहा हूँ एक ही बात को 3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड का जो आंसर रहेगा भागफल वो हमेशा न्यूमेरेटर्स में ही लिखोगे, कभी भी उसको डिनोमिनेटर में या बाहर में नहीं लिखोगे। डिवाइड का आंसर यानी कि भागफल या क्वेशेंट हमेशा न्यूमेरेटर में ही लिखा जाएगा, ऊपर ही लिखा जाएगा, नीचे नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब 10 का डिवाइड करना है हमें, चलिए सर 10 का डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको एक दिन पहले भी सिखाई थी कि अगर आपके पास में डिवाइड में 0 हो, ठीक है, यहाँ पर देखो डिवाइड में जब भी अगर 0 आ जाए ना तो जो पॉइंट होता है, चलो मैं आपको एक और अच्छी बात सिखाता हूँ, बोलो सर। मैं बोल रही थी ना कि सर स्क्रीन को तो साइड करिए ना, बोलो सर। ये जो 10 तो ये 4 3 0 2 × 10 हुआ था, 12 × 100 हुआ था, 10 नीचे कैसे आ गया 12 10? आप अभी एक बार आप लिख कर दिए ना, ठीक है, आप इसको लिख कर देखो, जिसको भी डाउट है वो लिख के रखो। सर जब यहाँ पर आप आगे का स्टेप देखते जाओ, है ना, वो वाला स्टेप बाद में क्लियर कर दूंगा, आप आगे वाला देखते जाओ, एक बार के लिए आगे वाला स्टेप देख लो। अब हुआ क्या कि देखो आपको यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूं कि आपके पास में कोई भी नंबर होता है उसमें या तो मल्टीप्लाई में 10 होगा या क्या होगा सर डिवाइड में 10 होगा। एक नंबर लेते हैं सेम नंबर 23.46 ले लेते हैं, इधर भी 23.46 लिख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई में 0 होने पर क्या इफेक्ट रहेगा और डिवाइड में 0 होने पर क्या इफेक्ट रहेगा, यहाँ पर 10 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है, चलो हम 100 से स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों में 100 कर देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इसमें से, वो आपको समझनी बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगी, कई जगह काम आएगी आपके। देखो अगर मल्टीप्लाई में 0 हो, ओनली 0 जैसी कोई नंबर लिखी हो, जैसे 10 100 1000 इस तरह की कोई नंबर लिखी हो, तो हमेशा जो पॉइंट है वो हमेशा किधर जाएगा सर राइट साइड में जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड में कोई 0 हो तो हमेशा पॉइंट किस तरफ जाएगा सर लेफ्ट साइड में जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। डिवाइड में 0 होने पर पॉइंट लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई में 0 होने पर पॉइंट राइट साइड में। अब कितना, जितने आपके पास में 0 होंगे उतना, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं सर 2 डिजिट्स, इसका मतलब कि ये 2 3 4 6 पे जो पॉइंट यहाँ पे था ये पॉइंट यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद में नहीं है तो 0 लिख सकते हो या इसको 2 3 4 6 लिख सकते हो, एक तो ये ध्यान रखना। अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, जैसे 2 3 4 6 लिखा हुआ था यहाँ से पॉइंट उठेगा 1 2 और यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, तो 0.2346 इसका आंसर रहेगा। देखो दोनों में डिफरेंस है ना, तो ध्यान रखना कि अगर आपके मल्टीप्लाई में 0 हो तब तो पॉइंट जाएगा राइट साइड, डिवाइड में 0 हो तब पॉइंट जाएगा आपका लेफ्ट साइड। यही यहाँ पर देखेंगे सर, आपने कहा कि सर यहाँ पे डिवाइड में है 0, डिवाइड में 0 मतलब पॉइंट किधर जाएगा लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉइंट किधर जाएगा लेफ्ट साइड में। तो 3585 आपके पास में लिखा हुआ है,
ये पॉइंट यहां से उठेगा और यहां आ जाएगा, क्योंकि 10 है तो 10 पे आ जाएगा, तो ये लग जाएगा यहां पर। इसका मतलब सर 35.85 इसका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। चलिए अब मैं कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, बाकी का मैं डाउट सॉल्व कर देता हूं। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन, है ना। और ध्यान रखना अगर ऐसा डाउट हो कि एक ही डाउट सभी के हो तो सभी देख लेना, और ध्यान रखना जब एक बच्चे को मैं समझाऊं तो दूसरा ध्यान रखेंगे सभी, जिसको भी डाउट हो। ऐसे नहीं कि फिर सेम डाउट ही वो पूछे, सेम डाउट ही वो पूछे, फिर वो क्या कहते हैं अच्छी नहीं लगती, अपना टाइम खराब होता, टाइम किसका होगा, अपना ही खराब होगा। इसलिए ध्यान रखो कि अगर कोई पूछ रहा है और लगे कि हाँ ये वाला डाउट अपना है तो उसको साथ में सीख लो। ये देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 23.004 डिवाइड बाई 0.002। एक और लिख देता हूं, 46.001 डिवाइड बाई 1. रुक जाओ एक मिनट, पहले लिखने तो दो मेरे को, सर सर कर रहे हो। सर आप एक टाइम फिर से आप स्क्रीन वापस शो कर सकते हैं, मेरे को मुझे दिख नहीं रही है, पर वहां पर आ रही है यहाँ पर हमारे नाम आते हैं। एक मिनट रुको, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर ये दो क्वेश्चन सभी बनाने हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले जब क्वेश्चन नंबर सेकंड 23.004 0.002 इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, इधर की तरफ यहां सॉल्व करते हैं 23.004 अपॉन 0.002। बात को देखना ढंग से कि सर यहाँ पे हमने 3 डिजिट से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 30 यहाँ लिख देंगे, इसके बाद में 3 डिजिट से तो मल्टीप्लाई में 30 यहाँ लिख देंगे, ये पॉइंट तो हट गया। अब इसमें से 1 2 3 जीरो भी हट गए। अब देखिए ये तो क्या रहा सर, 23004 रहा इधर, तुमको पता है कि अगर इधर केवल 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कितना रहेगा 2। अब सिंपल से 2 का डिवाइड करना है तो कर दो सर डिवाइड 23 का, 23004 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा, 2 बन जा 2 माइनस 3, 2 बन जा 2 माइनस 1 10 बना, तो 25 जा कितना हो जाएगा 10, माइनस करके ये कहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर ये 0 रहेगा, ये 4 आ जाएगा, तो 2 जा 4 तो ये आ गया सर 11502 इसका क्या रहेगा हमारे पास में आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत छोटा सा था क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नहीं था, बस आपको ये पॉइंट, ये मेनली आपको क्या हो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए कि सर ये पॉइंट बनते कैसे हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, केवल ये पॉइंट्स का ही खेल आपके पास में, कि आपको पॉइंट को हटाना, उसको कितना किससे मल्टीप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बन जाएगा। इसी तरह मान लो कि आपको अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बनाना हो तो क्या लिखोगे सर, 46.001 अपॉन 0.13। सबसे पहले पॉइंट हटाएं, इस डेसिमल के बाद में 1 2 3 तो मल्टीप्लाई 1 2 3, ये डेसिमल 1 2, ये 1 2। अब देखिए इसके जीरो हटा दें, 1 2 1 2। अब आपको पता चला है कि ये तो कितना लिखा गया सर, ये तो 46001 लिखा गया, नीचे कितना है सर 0, अभी 0 13 रहा ना, तो 0 तो हटा सकते क्योंकि डेसिमल तो हट गया, तो 13 कितना रहा, 13 मल्टीप्लाई, ऊपर तो फन नहीं था, नीचे कितना रहा 10, मतलब इसको 10 रखो। तो पहले क्या करना है सर, पहले इसको इसमें डिवाइड करना है, तो कीजिए डिवाइड, 46001 में अगर आप 13 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा, देखो 13 बन जाए 13, 13 तरीके कितना होता सर 39, तो 39 में 1 और 7 ये हो गया 70, इसके बाद में सर 35 जाए 65, 65 से ये रहा सर 5, ये यहाँ से आ जाएगा 0 तो 50,
कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13 4 52, तो 13 3 कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 39। देखो 39 से अगर 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 से 10 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 50, तो टोटल कितना हो गया सर 11। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 111। अब बताओ एक मिनट रुकी, तो 38 से कितना हो गया सर 104 हो गया। माइनस कर दो, माइनस करोगे तो देखो 4 से 11 में कितना रहेगा 7। अब क्या हुआ सर, ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है, नीचे इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो लगाओ पॉइंट, लगाओ 70 हो गया सर, 13 5 किया कितना हो गया 65, माइनस किया 5, पॉइंट से फिर से 0 लेके आ गए, सेम कहानी है सर, 13 3 39, मतलब कि सर ये अब रुकेगा ही नहीं, ये अब रुकेगा नहीं, वापिस 11 आ गया। कोई बात नहीं, आप 2 digits तक फाइंड आउट कर लो, उसके आगे करो मत। तो 3 5 3 8.538, वापिस 8 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे देखो 11 है, 11 के नीचे लाए 0 पॉइंट से, वही फिर 8 टाइम कितना होगा 104, तो यहाँ से देखो ये वाली वापिस स्टेप चल रही है ना, ये स्टेप आ रही है ना, 4 के बाद में 7, 7 के बाद में 5, तो ये 8 आ जाएगा। अब देखो डिवाइड आप कर लो, ये डिवाइड आप कर लोगे, बोलो सर। अब एक बार आपने वो डिवाइड सॉल्व किया है वो बता दीजिए सर, आपने गलत लिखा है। क्या लिखा है? कहाँ मिस्टेक हुई बता सकते हो? एक मिनट रुको, 13 3 जा, देखो दोबारा समझा देते हैं, एक मिनट रुकिए, 13 3 जा 39, पहला पॉइंट तो ये रहा, फिर इसका हो गया 7 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, 13 5 जा 65, 5 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। अब 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 होता है, तो 13 3 जा कितना होगा 39, 39 से माइनस करोगे तो कितना रहेगा 11 ही तो रहेगा, 11 रहेगा तो ये 1 यहाँ से, कौन सा 0 नहीं लिखा, कौन सा 0 नहीं लिखा, ये वाला 0 तो यहाँ आ गया, फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 38 से कितना हो गया 104, माइनस किया तो 7, अब पता था कि ऊपर कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के लाए 0, तो 13 5 से कितना हो गया 65। अभी जब 65 हो गया, एक मिनट रुकिए, इसके नीचे नहीं जा सकता, ये 65 हो गया, तो यहाँ पे 5 से 65, फिर ये रहा 5, पॉइंट से आपने लिया 0, 13 3 से कितना हो गया 39, और ये 11 रहेगा, पॉइंट से 0, 104, यानी ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, तो ये आ गया 358। अब आपने देखा कि सर इसके डिवाइड में हम मेरे पास में कितना है 10 है, और अगर डिवाइड में 10 हो तो पॉइंट किधर जाएगा सर, लेफ्ट साइड में, और कितना 1 टाइम, तो 3 5 3 8 5 3 8, और जो डिवाइड पॉइंट आपका कहाँ पे था, यहाँ से उठ के कहाँ पे 1 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 353.8538, ये इसका आंसर रहेगा, इस तरह ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है सर। यस सर, जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट हम उस तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। सॉरी सर, मैंने एक जीरो और उसमें ऐड कर दिया डिवाइड में, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 32.001/0.12 चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर का इफेक्ट कहाँ रहेगा सर, नीचे, ऊपर का इफेक्ट नीचे, और इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा सर, ऊपर की तरफ। अब ये हटाते हम 1 1 1 1, ठीक है, ये क्या हुआ सर 3 2 0 0 1 रहा, और ये रहा सर 0 1 2 multiply 10, ये वाला 0 आप हटा सकते हो। अब देखो कोई बच्चे के पता है क्या गलती करते हैं, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने हमने पूछा भी था कि सर इससे ये 0 हटा दें, कभी नहीं हटा सकते, कभी भी आप, अरे बीच, मेरे को एक बात बताओ, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर पूरा 32,001 है, इसमें 10 का डिवाइड ऐसे थोड़ी होता है, कभी भी, चलो आपको आज तक नहीं पता था, लेकिन अब ध्यान रखना कि कभी भी बीच वाला जीरो मत हटा देना, कभी मत हटा देना गलती से भी, बीच के जीरो नहीं हटेंगे, मल्टीप्लाई वाले जीरो हटेंगे,
या फिर इसके जैसे लास्ट में लिखा हो ये यहाँ पे लिखा हो वो हट सकता है, ये नहीं हटेंगे इसके बीच वाले जीरो, इस बात का विशेष ध्यान रखना ना। चलो नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके बाद में पता होना चाहिए कि नहीं सर बीच वाला जीरो कभी नहीं हटेगा, कभी भी बीच वाला जीरो नहीं हटेगा, ध्यान रखना इस बात का। कभी भी गलती से भी बीच वाला जीरो मत हटा देना, ये फिर से कह रहा हूँ। हाँ यहाँ पे जीरो होगा वो हट सकता है इससे, लेकिन ये नहीं हटेंगे कभी भी। तो अब मुझे पता है कि अब आप गलती नहीं करोगे ऐसी। चलिए अब क्या करना है, सिंपल सा सर 12 का डिवाइड करना है, तो 32001 अपॉन 12 का डिवाइड कर दो, ये एक जीरो एक्स्ट्रा ना इसको यहाँ से हटा देते हैं। 12 का डिवाइड करेंगे सर, 12 2 24 12 3 36, 24 हो गया, कितना रहेगा 6 वो 2 आगे तो 8 हो गया, क्योंकि 24 से अगर 6 करेंगे तो सर कहाँ हो जाएगा 30, और 32 के लिए 8 2 और चलेंगे तो कितना हो गया 6 और 2 हमारे पास में कितना हो गया सर 8, ये आ जाता है 8 हमारे पास में। ये लेके आ गए सर 0 तो हो गया 80, और 12 का जब डिवाइड करेंगे 12 6 से कितना होता है 78, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2, क्योंकि 78 से 2 रहेगा ये सर 0 यहां 13 6 जा 78 हां वो 13 का, वो 13 का डिवाइड होता है वो जल्दबाजी में, वो कोई बात नहीं है ना, ठीक है 12 6 जा होता है 7, माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ये यहां से लाएंगे सर 0 जीरो आ गया तो 80 हो गया, और जब इसका डिवाइड करेंगे अभी इधर जाता भी नहीं है शायद, ना नहीं इधर नहीं जाएगा ये, चलो पहले इसको इधर लेके आता हूँ मैं डिवाइड को, ठीक है फिर से 80 आ गया, तो फिर से 6 टाइम सर 72 माइनस किया 8 रहेगा, ये 1 लेके आ गए कितना हो गया 81, और 12 6 कितना हो जाएगा सर 72, माइनस करोगे तो इस पर कितना रहेगा 9, ऊपर कोई डिजिट है यहाँ पे सभी डिजिट्स काउंट हो गई नहीं है, तो एक बार के लिए पॉइंट लगाओ 0 बना लो, और ये कितना हो जाएगा सर 12 का जब डिवाइड करेंगे तो 12 7 जी 84 होता है 84, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, अब देखो ये फर्स्ट डे था बोल गया दुकानदार एक और जीरो लियो, ये लो सर 12 5 जी 60 कंप्लीट डिविजिबल भी कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर कितना रहा सर 2666.75, तो इसका आंसर आ गया, और अपॉन में कितना रहा सर ये हमारे पास में 10 और आ गया। अब आपको अभी भी सिखाया था कि पॉइंट कहां चला जाएगा सर नीचे कितने 1 डिजिट, तो लेफ्ट साइड में 1 यहां आ जाएगा, तो ये 266.675 ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस हमारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, कोई सुबह डाउट हो तो हैंडरेज कर सकता है। हाँ अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो फिर पॉइंट के बाद में जीरो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, वो ऑप्शन देखा जाता है सर, अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत तो नहीं, दिक्कत कहाँ है वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, हो सकता है कि ऑप्शन में ये दिया हो, हो सका ऑप्शन में ये हो सकता ऑप्शन में ये हो, तो तीनों में से जो भी राइट हो तीनों ही राइट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जीरो जीरो का मतलब एक ही होता है, ये तीनों बातें एक ही है, गलत होगा ही नहीं वो, तो आपको लिखना थोड़ी है वहां पर, तो वहां पर तो ऑप्शन आएगा क्लिक करना है आपको, ठीक ऐसे ए बी सी डी दिखा होगा उसमें चेक कर लेना कि आपको मान लो ये आए अगर ये मिल जाए तो ठीक है, अगर मान लो ये नहीं मिले और आपको ऐसा दिखाओ तो आपको तो बात तो ये है ना भाई 0.00 तो क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो ये रहना है 0.0 तो भी यही रहेगा, हाँ ऑप्शन लिया हो तो वो 0.0 वाला एक ही मींस होता है, मतलब समझने के लिए कि आप चाहे 11502 कहो चाहे 11502.0 कहो चाहे इसको 11502.00 कहो या कितने भी जीरो लगाओ तीनों एक ही बात। क्योंकि अंतराज भास्कर ने क्वेश्चन भेजा होगा, अंतराज भास्कर क्वेश्चन भेजा था क्या, सर अगर 12 4 अपॉन 3 और डिवाइड में तो कैसे होगा, ये तो बता दिया मैंने, लीव करके वापस ज्वाइन करो, क्या हुआ अंशराज भास्कर,
अंशराज भास्कर आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही, इतना धीरे बोल रहे हो आप। को 12 से डिवाइड करें तो कैसे होगा? तो 12 का डिवाइड कर दो, उसमें क्या है? उसमें जैसे नॉर्मल डिवाइड करते उसी तरह होगा। 4302 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये लो 12 से डिवाइड कर लो, उसमें क्या है? ये देखो यहाँ किया हुआ तो है, तो उसमें उसका अगर आप इसका इन्वर्स करोगे तो ये कर दो 4302 को 12 को। इसमें क्या है, आप सबसे पहले जीरो लिख दोगे, ये जीरो, फिर पता चला अभी भी नहीं हुआ, अभी और भी छोटा रह गया, फिर से जीरो, ये 12,000 हो जाएगा। फिर इसका इसका टेबल लिख के करते रहो, आंसर तो वही रहना सेम ही, जैसे डिवाइड करते हैं डिवाइड वैसा रहेगा, चाहे किसी का किसी में डिवाइड कर दो। डिवाइड का एक ही तरीका है, फिक्स फॉर्मेट है, उसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा डिवाइड का। ठीक है सर, आपने कुछ समझाया? अरे नहीं, वो अंशराज ने पूछा था कि इसका डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, वो डिवाइड करते नॉर्मल जैसे रोज करते। बोलो, कोई बात नहीं, लेफ्ट कर दो, बाकी बच्चे उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो डिवाइड बता दिए हैं, मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ, और उसके बाद में फिर हमें कल जो बचेगी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस रहेंगी, एक टॉपिक और बचा है, एक टॉपिक बचा है हमारा, वो बाद में दिखाऊंगा मैं, और जो अपने फ्रैक्शन वाले थे ना, फ्रैक्शन वाले हम बाद में करेंगे, पहले डेसिमल को कंप्लीट करने के बाद में, फ्रैक्शन वाले जो 2-4 टाइप्स बचे ना, वो मैं एक साथ आपको एक साथ ही सोल्व करवा दूंगा, जब या तो प्रैक्टिस सेशन में करवा दूंगा या किसी और दिन में करवा दूंगा, लेकिन पहले डेसिमल को कम्प्लीट कर लेते हैं। सर आपने पूरा सा ब्रैकेट वाले भी कराओगे? वो मैं सिंपली तो, वो सब सिंपलीफिकेशन में, इसके अगले चैप्टर में, सर इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर इसको पहले ये आप ये ले लीजिए इसको, है ना, एक बार के लिए इसका पॉइंट भूल जाइए, तो भूल जाते हैं पॉइंट को, करना क्या है, इसको 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 2 8 0 0, 4 3 12 1 रहा कैरी, 4 2 8 और 1 कितना हो गया 9, और 4 2 कितना हो जाएगा 8, 4 2 कितना हो जाएगा 8, ये इसका आंसर रहेगा। अब देखना, ये 0 0 नहीं लेंगे ना, इधर वाले हट जाते हैं। अब इसके बाद में पॉइंट लगाना होगा, इसके बाद में कितने है सर, 3 0, इसके बाद में कितने है सर, 2, तो टोटल कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा जाएगा सर पॉइंट, तो ये इसका आंसर रहेगा 8.92008। इसको सोल्व करते हैं सर, 112.36 अपॉन कितना रहेगा सर 0.02, अब वह क्या कि सर इसका इफेक्ट तो रहेगा नीचे की तरफ, तो मल्टीप्लाई 100 लिख दें, इसका रहेगा सर ऊपर, तो इसका भी कितना हो जाएगा 100, तो आपने क्या कहा सर, दोनों जीरो से दोनों जीरो हट जाएंगे, बोलो अपॉन 002, बोलो बोलो, ये दोनों हट जाएंगे। आप ही जो वाला क्वेश्चन लगाए हैं सर, लेकिन तो सर इसमें तो ऐसे नहीं लगाएगा जाएगा किसमें सर, ये जो सर पहला क्वेश्चन लगाया 2 32 3.002 0.04, तो इसमें क्या नहीं होगा सर, इसको तो सर ऐसे नहीं लगाया जाएगा। कैसे नहीं लगाया जाएगा सर, पहले सर इसको सर 22 3002 क्या बोल रहे हो आप, अपॉन क्यों, अपॉन करी क्यों रहे, मुझे बताओ ना, मल्टीप्लाई में आपको मैंने बताया नहीं अपॉन करना है, अपॉन नहीं करना मल्टीप्लाई में, है ना, लास्ट में सीधा काउंट कर लो कि इधर 3 इधर 2, सर डेसिमल हटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल क्यों हटाएंगे, तो डेसिमल नहीं हटाना, एक बार ऐसा सीधा इसको सीधा सीधा समझ लो, बस इसको ये एक बार इसको बिना बिना पॉइंट के देख लो, मैंने जो मेथड बताया इसीलिए बताया था कि आपको वही मेथड याद रखना है, इसको एक बार के लिए बिना पॉइंट के देखो, तो बिना पॉइंट के दिख गया, मल्टीप्लाई कर लो, फिर आंसर में यहाँ से पॉइंट काउंट कर लो वापस कि कितना पॉइंट है, और उसको फिर यहाँ पे लाके पॉइंट काउंट करके लिख दो, ठीक है।
अरे रेस्पॉन्स करो वापिस, ठीक है क्या? रिप्लाई दो। यस सर। इसको ऐसे ही याद रखना है, पहले इसको बिना बिना पॉइंट के देखो, फिर इसको बिना पॉइंट के सोल्व करो, फिर जो आंसर आए उसमें फिर इधर से काउंट कर लो कि इधर थ्री इधर टू, तो इधर से वापस काउंट करके पॉइंट लगा दो। यहाँ देखो यह हुआ क्या कि यहाँ से दोनों जीरो हट जाएंगे। अब ये वाले जीरो हट सकते हैं, कितना हो गया सर? ये 11 1 2 3 6 और अपॉन में कितना रहा? 2 रहा, तो 2 का डिवाइड करना हमें, 11 2 3 6 में 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 5 जे कितना हो जाएगा सर? 10 माइनस 1 12, 2 6 जे 12 माइनस क्या 3, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 में कितना हो जाएगा? माइनस 1 16 और 2 5 जा सॉरी 2 8 जा 16, तो ये रहेगा 0। ये हो गया सर, इसका जो आंसर रहेगा वो 5 6 1 8 आंसर रहेगा। इसको आप 5 6 1 8.0 भी लिख सकते हो, इसको 5 6 1 8.00 भी लिख सकते हो, जितने जीरो लिखो उतने, ना? ये इसका आंसर रहेगा। सर समझ गया सर, बस फिर बता दीजिए। कौन सा बताऊं? सर ऊपर वाला सर, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वापस बताऊं? यस सर। सबसे पहले इसको बिना पॉइंट के देख लो, बिना पॉइंट के देखेंगे तो क्या दिखाई देगा ये सर? ये इस तरह दिखाई देगा, बिना पॉइंट कैसे दिखाई देगा? तो ये दोनों हटा दो। अब क्या हुआ सर? 4 का मल्टीप्लाई करना है, 2 2 3 0 0 2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8 0 0, 4 3 जा 12 1 रहा कैरी, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया? 9 और 4 2 जा 8। ये इसका सर बिना पॉइंट का आंसर था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट काउंट करेंगे सर। इसके पास में 3 डिजिट्स है और इसके बाद पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, 2 और 3 कितना हो गया सर? 5, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ लाके पॉइंट लगा देंगे। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है? सर ऐसे बता सर, वैसे भी तो लगेगा। वैसे कितना? वैसे नहीं करना आपको, आपको ऐसे ही करना है, इजी रहता है ऐसे। वैसे भी मुझे पता है, वैसे भी आपके पॉइंट वैसे ही उतना ही पॉइंट रहेगा ना, लेकिन वैसे वही बात है, आप टप पड़ जाओगे, पहले इसका नीचे पॉइंट लगाओगे 100, फिर 1 2 पॉइंट आप भूल जाओगे गलती से, 10 लगाना इतने में हो गया था। थोड़ा इजी समझो ना चीजों को, इतना टप मत लेके जाओगे, पहले इसका पॉइंट लगाओगे तो ये रहेगा, फिर ये नीचे 100 लिखोगे, फिर 004 लिखोगे तो 100 लिखोगे। अरे सर सर नहीं करते, कितनी बार का है नहीं दिख रहे, तो लीव करके वापिस ज्वाइन करो। अभी मैंने किया था, सेकंड लिंक ज्वाइन करो, थर्ड लिंक ज्वाइन करो, है ना? आपको इतने तो लिंक भेज रखे मैंने, तो ट्राई करो इधर उधर, ये नहीं करना। फिर वापस वही बात है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इधर इनको मल्टीप्लाई करोगे, उससे बड़े कि ये वाला कर लो ना मल्टीप्लाई में, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा आपको, इसलिए मैंने आपको वही मेथड बताया जो आपके लिए सिंपल है, जो आप जल्दी समझ सकते हो, मैंने आपको वो वाला मेथड दे बताया। फिर क्या होगा, नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 0 0 और आप, ठीक है? दोनों सही है, आंसर सेम आंसर आएगा। अगर मान लो कि इसको अपन वैसे करें ना, देखो मैं आपको इसको उससे सॉल्व करवा के बताता हूँ, आपका भी सेम आंसर वही रहेगा। जैसे मान लो ये 223.002 मल्टीप्लाई 0.04 हो अगर, तो अगर 223.002 नीचे कितना रहेगा? 100, एक और जीरो आएगा, मल्टीप्लाई 004 नीचे कितना रहेगा सर? ये 2 times रहेगा। अब देखना, सबसे पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को आपस में, तो आंसर वही रहना है जो इधर लिखा हुआ था, 892008 रहेगा, और अपॉन में ये हमारे क्लास में कितना रहेगा नीचे सर? जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने पर 0 0 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। प्रिंसिपल ये तो पता है ना आपको? यस सर। अब देखिए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सेम आंसर वही रहेगा। सेम आंसर आया ना? यस सर। आंसर सेम रहेगा, मेथड दोनों मेथड अलग अलग है, आंसर वही रहेगा, बस आपको मैं इजी मेथड आपको इसलिए बताया था कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, कई बार आप मल्टीप्लाई करके जीरो करना भूल जाओ तो वहां पे थोड़ा
कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको सीधा सिंपल मेथड बता दिया कि 302 यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 काउंट करके पॉइंट लगा दो। ठीक है प्रिंसिपल? यस सर। ओके, और कोई स्टूडेंट को डाउट हो तो बता सकते हैं अभी। चलिए फिर।